जमाना चाहे पुराना हो या नया, हैक थे, हैं और रहेंगे। और ये तो अनायसा के हैकर कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले। हम हैं पुराने जमाने की ब्यूटी और मैं हूँ 2021 की मॉडर्न ब्यूटी और आप देख रहे हैं विंटर हैक्स ब्यूटी देन वर्सेस नाउ। अब खून पसीना बहाकर वीडियो बनाते हैं बस आपकी एक मुस्कुराहट के लिए, तो जल्दी से 1,00,000 लाइक कर दो, कभी मांग रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर देना। भैया तो चाय देना। विनीता देख रहा, अमिताभ बच्चन तुझे देख रहा है। ऋषि कपूर जा रहा है। हरी खड़ता है। देख देख विनीता, तेरा शक्ति कपूर मिट रहा है। नहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। नहीं विनीता, तेरी शादी इससे नहीं हो सकती। तू अपने अमीर खानदान की 11वीं बेटी है। आपको तो सर्दी हो गई है। हाँ, मुझे एलर्जी है ना, सुबह अच्छी छींक आती है और रात में मॉइस्चराइजर से सर्दी बनी रहती है। तो अरंडी का तेल यानी अणु तेल नाक में डाला करो। मैं तो साथ लेकर चलता हूँ, तो आपके तलबों में लगा देता हूँ, इससे सर्दी में हमेशा के लिए राहत मिलेगी। ये लो 50,00,000 ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी विनीता की जिंदगी से। नहीं चाहिए पैसे, मैं एक जोड़ी साड़ी में भी रह लूंगी, है ना मजनू? हाँ? रामू मजनू मजनू पर क्यों? अरे ऐसे बाप फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, इसलिए पैसे रख लेता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, एक असली बाकी सब रखती है। अरे मैं तो लुट गया। अरे नहीं भाई, तेरे दोनों तरफ से कट गया। हे गाइस, तो मैं डेस्टिनेशन वेडिंग कर रही हूँ जयपुर में। ये भारती शादी कर रही है, वो भी डेस्टिनेशन वेडिंग। भारती की शादी हो रही है यार, बाकी सारी तैयारी तो हो जाएगी लेकिन स्किन का क्या होगा? तेरे स्किन कंसर्न्स का सलूशन। अब ये क्या है? केमिस्ट एट प्ले इंडिया का फर्स्ट सेरामाइड्स बेस्ड स्किन केयर ब्रांड है और ये है पोर मिनिमाइजिंग फेस सीरम। ये लार्ज पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प के साथ मैट फिनिश स्किन देता है। और ये एक्ने का क्या? उसके लिए ये एक्ने कंट्रोल फेस सीरम। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पोर्स को डीप क्लेंस करेंगे, स्कार्स भी हटाएंगे। चल तू क्या करेगी सब रख के, मुझे दे दे। ठीक है, ब्राइटनिंग फेस सीरम मैं रख लेती हूँ। ये स्किन टोन ब्राइट करेगा, हाइलुरोनिक एसिड रिंकल्स हटाएगा और स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। तू ये भी मुझे दे दे। मेरा प्रोडक्ट वापस कर। अभी तक रिक्शा नहीं आया। विनीता, अमीर खानदान से हो, फिर इस खचरी के साथ क्यों? आओ स्कूल छोड़ दूं। रीता, दोस्ती पैसों की मोहताज नहीं होती, इसीलिए हम अभी भी इसके साथ सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। रीता से पंगा, महंगा पड़ेगा। करो भाई, जो गलती करेगा सजा तो मिलेगी। सर, हम तो ये कह रहे थे कि बाहर बहुत अच्छी धूप निकली है, बाहर ही पढ़ा दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, बाहर पढ़ेगी, बाहर पढ़ेगी, सर बाहर पढ़ेगी। ठीक है, चलो बाहर। ये चलो। क्या कर रही है? एक बार में पहन लेना। अरे पता नहीं, मम्मी ने शायद ही खराब बनाया, बार बार खिसकता रहता है इधर उधर को। मम्मी ने खराब नहीं बनाया, सही तरीके से पहनना होता है। देख क्लिप ले, इसको ऐसे कानों के पास लाओ और ये ऐसी टिप टप वाली क्लिप को लेके बालों के साथ इधर लगा दो। अब तू कितना भी सर हिला ले, ये टोपी नहीं हिलेगी। अरे वाह। मिनी,
I'll drop you. इतनी ठंड में इस चुपट के साथ वॉक करके क्यों जा रही हो? कार में हीटर भी है, गर्मी देगा बहुत। दोस्ती कार की मोहताज नहीं होती है ना मिनी? अबे पागल है क्या, इतनी ठंड में पैदल जाएंगे? कार से जा रही हूँ, बाय। यार प्लीज मुझे भी लेके चलो। ड्राइवर हीटर तेज कर दो, बहुत ठंड हो रही है यार। मैं तो इतने मोटे कपड़े पहनती हूँ फिर भी। ये मिथ होता है कि सर्दियों में जितने मोटे कपड़े पहनोगे ना उतनी ठंड से बचोगे। एक्चुअल में होता ये है कि ठंड सबसे पहले छाती पे लगती है। तो सबसे पहले ये पहन, ये है बॉडी वार्मर जो तेरी पूरी बॉडी को गर्म रखेगा। फिर पहन ले कोई भी नॉर्मल टी शर्ट और इसके बाद कोई भी जैकेट पहन ले। इससे होगा ये कि जो तू इतने इतने लेयर पहन रही है ना वो पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू ठंड से भी बच जाएगी। और अगर इसमें भी ठंड लग रही है ना तो ला अपना स्कार्फ, ला ये देख, इसे तू कुछ इस तरह से बांधेगी ना तो तेरी छाती कवर्ड रहेगी और तुझे ठंड भी नहीं लगेगी। और यही हैक तू घर में रख के बाकी कपड़ों के साथ भी कर सकती है। आजा सुनीता। ए विनीता, कितना अच्छा हुआ ना तेरे पापा ने तुझे भेज दिया। अब हम सारी रात गप्पे लड़ाएंगे और ऋषि कपूर की बातें करेंगे। और ठंड, अरे ठंड को तो हम ऐसे ही मार देंगे तू देख। आराम से, ये एक रजाई, ये दूसरी रजाई, ये तीसरी रजाई, ये चौथी रजाई, ये टोपा और ये मफलर। सुबह को दूध कौन निकालेगा? दूध वाला निकालेगा? हमारे यहाँ दूध वाला ना निकालता है, हम ही निकालते हैं। तो गाय माता दूध दे दो प्लीज। अरे तू गाय से भी लड़के आ गई क्या? तुम्हारी गैया ने लाज मारी, हम लुढ़कते हैं, हमारा स्वेटर जगह जगह से फट गया। ला स्टिकर लगा देती हूँ, स्वेटर ठीक हो जाएगा, चल। अगर आपका भी कोई बहुत ही फेवरेट स्वेटर या जीन्स इस तरह से फट गया है तो आप इसमें इस तरह के स्टिकर्स लगा सकते हो। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और वो भी बहुत कम प्राइस में। ठंड है, हम तो फिर से ब्लैंकेट बजा रहे हैं। कहाँ है ब्लैंकेट? तो हम स्पेस हो जाएंगे। कहाँ है बेड? अच्छा तो हम स्पेस हो जाएंगे। कहाँ है सोफा? तो हम कारपेट पे ही घुस जाएंगे। कहाँ है कारपेट? तो हम जमीन पे सो जाएंगे। कहाँ है जमीन? चलो दाना। पूरी सोसाइटी में हम फैशन सिंबल हैं और ये घड़िया सा स्कार्फ पहन के आ गए। कोई बात नहीं है, बाजू वाले एरिया में जाके स्कार्फ हैक कर लेते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपना स्कार्फ लो और इस तरह से कंधों पे प्लेस कर दो और दोनों साइड बराबर होने चाहिए। अब जो ये एंड का पार्ट है ना उसे कुछ इस तरह से रिस्ट पे एडजस्ट करके पिन अप कर लो। अब दूसरी तरफ भी सेम स्टेप रिपीट कर लो। अगर आपके स्कार्फ की विड्थ कम है तो अंडर आर्म्स के एरिया के अराउंड भी इसे पिन अप कर लो ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए। और देखो ये कितना अच्छा श्रग जैसा लग रहा है और जॉगिंग करते टाइम तो ये गिरेगा भी नहीं बार बार। था ना ये स्टाइल धमाकेदार? चलो मैं आपको एक और स्टाइल सिखाती हूँ। सबसे पहले आप अपने स्कार्फ को ले लो और इस तरह से डबल क्रिस क्रॉस करते हुए गले पे बांध लो और फिर वेस्ट को एक शेप देने के लिए आप एक बेल्ट भी लगा सकते हो। हमारी इस स्कार्फ की स्टाइल जरूर ट्राई करना और बताना कैसा लगा। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और आप भी बनाए अपनी स्किन को हेल्दी विद केमिस्ट एट प्ले प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग देयर सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजिंग रेंज जो अवेलेबल है इनकी वेबसाइट के साथ अमेज़न और नायका पे भी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। मैं तो चली अपने पुराने जमाने में। ये तो गई, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।